दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की न्यू वैकेंसी की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। 1000 खाली पद है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 15 जुलाई 2023 है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। भारत के सभी राज्यों से महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस इसमें आपका क्या रहेगा, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया न्यू वैकेंसी 2023 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नया विज्ञापन जारी किया गया है, यहाँ पर ऑल इंडिया से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मैनेजर स्केल सेकंड मेन स्ट्रीम की पोस्ट है, 1000 वैकेंसीज निकली है। आवेदन प्रक्रिया भर्ती के लिए स्टार्ट हो चुकी है 1 जुलाई 2023 से। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 15 जुलाई 2023 है। ऑनलाइन एग्जाम की डेट सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ अगस्त 2023 है। सैलरी 48,170 से 69,810 है प्रति माह के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो ग्रेजुएशन डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 32 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 850 रुपये फीस है। एसएसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपये एप्लीकेशन फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .co.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आप जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इस भर्ती के नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नया विज्ञापन जारी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैनेजर्स इन मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल सेकंड इन मेन स्ट्रीम के लिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट 15 जुलाई 2023 है। एग्जाम की डेट सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ अगस्त 2023 में है। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी गई है, जैसे कि एससी के लिए 150 पद है, एसटी के लिए 75, ओबीसी के लिए 270, ईडब्ल्यूएस के लिए 100, जनरल के लिए 405 है। टोटल 1000 वैकेंसीज यहाँ पर इसमें निकली है। बात अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन डिटेल की जाए तो यहाँ से आप नेशनलिटी या सिटीजनशिप चेकआउट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो मैनेजर पोस्ट के लिए रेगुलर की भर्ती यहाँ पर निकली है। 1000 वैकेंसीज है, यहाँ पर ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मैक्सिमम 32 वर्ष, आयु की गणना 31/5/2023 से की जाएगी। क्वालिफिकेशन ए डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन से आप अप्लाई कर सकते हो, साथ में CAII भी इसमें मांगा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसमें आप देख सकते हो एक्सपीरियंस 3 साल का एक्सपीरियंस है ऑफिसर्स इन PSB या प्राइवेट सेक्टर बैंक में या फिर RRB में, या फिर 6 साल का एक्सपीरियंस है क्लर्क इन PSB या प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर RRB में, और साथ में MBA MCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिस्क मैनेजमेंट या ट्रेजरी मैनेजमेंट या फॉरेक्स या ट्रेड फाइनेंस या CA या ICW या CM में CFA PGDM या डिप्लोमा यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग और फाइनेंस से होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। बॉन्ड की यहाँ पर डिटेल दी गई है, साथ साथ आपको यहाँ पर जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो एज रिलैक्सेशन की जानकारी दी गई है। SST को 5 साल की छूट दी गई है, OBC के लिए 3 साल की है। साथ साथ बाकी की कैटेगरी के लिए भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर सैलरी डिटेल दी गई जो आप रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद में सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम के लिए पैटर्न चेकआउट कर सकते हो। बैंकिंग के लिए 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे। कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स होंगे। प्रेजेंट इकोनॉमिक
और साथ साथ सिनरियो एंड जनरल अवेयरनेस के लिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, 60 मिनट यानी कि एक घंटे का इसके लिए यहाँ पर टाइम दिया गया है। यहाँ पर आप ये पूरा पैटर्न रीड आउट कर सकते हो। साथ ही साथ एप्लीकेशन फीस की यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज डिटेल दी गई है, जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और साथ ही साथ हाउ टू अप्लाई का भी प्रोसीजर दिया गया है, जिसको आप फॉलो करते हुए इस भर्ती के लिए यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन का डायरेक्ट लिंक यहाँ पर भी दिया गया है, जहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। फीस पेमेंट की डिटेल आपको दी गई कि कैसे आप फीस पेमेंट करोगे। फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने के लिए पूरी डिटेल दी गई है यहाँ पर, आप कितने केबी में और कैसे अपलोड करोगे, क्या साइज रहेगा, वो आप डिटेल यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। देन उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। राइट साइड में लॉगिन का सेक्शन है। लॉगिन आईडी पासवर्ड कैप्चा फिल करते हुए यहाँ पर सबमिट टैब पर क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हो। लॉगिन करते हुए अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस येलो कलर की टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल भरनी होगी, जैसे कि फुल नेम, यहाँ पर मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पूरी डिटेल भरनी होगी। उसके बाद में सेकंड नंबर पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। थर्ड नंबर पर आपको डिटेल फिल करनी होगी। फोर्थ नंबर पर आपको प्रीव्यू चेक करना होगा। फाइव नंबर पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सिक्स नंबर पर आपको फीस पेमेंट करना होगा और उसके बाद में फाइनली फॉर्म सबमिट कर देना होगा। स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो। दोस्तों, इस तरह से आप सिंपल तरीके से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।